सुबह से मेरी तबीयत खराब थी और बुखार हो रहा था, तो उमेर मुझे हॉस्पिटल ले गया और इस वजह से वो नहीं आ सका। मुझे पता नहीं था कि मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना था तो किसी और से कह सकती थी, नसरीन से कहती, वो तुम्हें ले जाती। बाप की तरह बेवकूफ हो तुम। तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है? टाइमी तो बहुत हैवी आज के लिए। अरे बिल्कुल हैवी नहीं है बेटा, मैं चाह रही हूँ आज तुम यही पहनो, क्योंकि तुम्हारे और उमेर के लिए आज का दिन बहुत अहमियत रखता है। और याद रखोगे तुम दोनों इस दिन को, कभी भूलने नहीं पाओगी। ताई जान तुम्हें अपनी सहेली के घर लेकर जा रही है, और वो भी इतना तैयार करवा कर। कहीं उनका कोई बेटा बेटा तो नहीं है? अनिका देखो शफीक, अभी इस बात का जिक्र उमेर से नहीं करना। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं ये बात खुद उसको सालगिरह के दिन बताऊं। बल्कि उमेर से क्या, तुम घर में किसी भी फर्द से इस बात का जिक्र नहीं करना। फातिमा से उसके रिश्ता का तोहफा जो है वो मैं सालगिरह के दिन देना चाहती हूँ उसे।